नमस्ते सदावसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों भारतीय नौसेना लेना चाहती है बेल बोइंग के V-22 ऑस्प्रे को और इसे भारतीय आर्म फोर्स यानी कि सशस्त्र बल और भारतीय नौसेना इसे खरीदना चाहती है, जिसके पीछे इसका खास कारण है। ये दुनिया का एकमात्र टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट है, जिसे कि अमेरिका ने स्पेसिफिक मिशन के हिसाब से तैयार किया है और इसे भारत की तीनों सेवाओं के लिए भविष्य के लिए चिन्हित भी किया गया है। ऑस्प्रे, जिसे कि V-22 भी कहा जाता है, ये एक अवॉक्स प्लेटफॉर्म की तरह भी काम करता है, इसीलिए इसके लिए भारतीय नौसेना ने अपने खासी दिलचस्पी दिखाई। यानी भारतीय वायुसेना भी इसका इस्तेमाल कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के लिए, साथ ही स्पेशल फोर्स की भूमिकाओं के लिए करना चाहती है। V-22 ऑस्प्रे का इस्तेमाल भारतीय नौसेना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में निगरानी के लिए करना चाहती है। एक बात और ये है कि भारत जहां C-130 विमानों को इस्तेमाल करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब इंडियन एयरफोर्स V-22 ऑस्प्रे जैसे लचीले टिल्ट रोटर खरीदने पर काफी जोर भी डाल रही है। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों ने बताया कि V-22 US मरीन कॉर्प्स के लिए एक प्रभावशाली प्लेटफॉर्म है और इसने इराक और अफगानिस्तान में अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित भी किया। 2013 में एरो इंडिया में बेल और बोइंग की एक टीम ने बेंगलुरु में इसे प्रदर्शित भी किया था। अमेरिकी वायुसेना V-22 का लंबी दूरी के विशेष अभियानों और आकस्मिक संचालन के लिए इसका इस्तेमाल करती है। वहीं भारतीय वायुसेना भी भविष्य में संभावित विशेष अभियान की भूमिका और इस तरीके के मिशनों को अंजाम देने के लिए V-22 जैसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता को महसूस कर रही है। V-22 की अगर बात करें तो V-22 ऑस्प्रे एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जो कि अपनी टिल्ट रोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्टिकल परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी कि हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है। और यही नहीं, इसके अलावा हाई स्पीड के लिए ये इस्तेमाल करता है अपने टर्बोप्रॉप इंजन का, जो कि इसकी हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट में मदद करती है। और इस तरीके के संयोग यानी कि कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर हो सकता है, और इसीलिए V-22 एयरक्राफ्ट को विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है। यही नहीं, बोइंग इस एयरक्राफ्ट को दुनिया भर के बाजार में भी प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि V-22 को ग्राहक की आवश्यकताओं के हिसाब से भी बनाया जाएगा। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर, क्रू चीफ, लोड मास्टर और गनर्स, और इसमें 24 ट्रूपर्स आसानी से बैठ सकते हैं। इसके इंटरनल कार्गो की जो क्षमता है वो है 9070 किलोग्राम और एक्सटर्नल कार्गो की जो क्षमता है वो 6800 किलोग्राम है। इस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के बारे में अगर बताएं तो इसका विंग स्पैन है 45 फीट 10 इंच, विड्थ है 84 फीट 6.8 इंच और फोल्डेड विड्थ है 18 फीट 5 इंच। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 22 फीट और फोल्डेड हाइट है 18 फीट 1 इंच की। इसका एम्प्टी वेट है 14,432 किलोग्राम का और इसका ग्रॉस वेट है 17,917 किलोग्राम का। कॉम्बैक्ट वेट की बात करें तो वो है 19,374 केजी का। इसे पावर देने के लिए 2X रोल्स-रॉयस के T406 AD400 टर्बोप्रॉप / टर्बोशाफ्ट इंजन लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक इंजन 6,150 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। इसके मेन रोटर का डायमीटर है 12 मीटर का और मेन रोटर एरिया है 210.7 मीटर स्क्वायर। स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड है 509 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज है इसकी 1628 किलोमीटर, कॉम्बैक्ट रेंज है 720 किलोमीटर, फेरी रेंज है इसकी 4130 किलोमीटर, सर्विस सीलिंग है 7600 मीटर यानी कि 25,000 फीट। बात करते हैं इसके हथियारों की तो इसमें हथियार भी लगाए गए हैं। इसमें 1x 7.62mm की M240 मशीन गन लगाई गई है। इसके अलावा M2 ब्राउनिंग मशीन गन भी लगाई गई है, जिसे कि हटाया भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है। यही नहीं, इसके अलावा 1x7.62mm की GAU-17 मशीन गन इसके बैली माउंट में लगाई गई है। US एयरफोर्स और एयरफोर्स स्पेशल ऑपरेशन कमांड ने 2009 में CV-22 वेरिएंट का इस्तेमाल किया और US नेवी ने CMV की डिलीवरी लेना शुरू कर दिया है। V-22 में लंबी दूरी के ईंधन टैंक की विशेषता है। जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स मानवीय सहायता, खोज और परिवहन मिशन के लिए MV-22 का इस्तेमाल करती है और ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट नौसेना की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर असॉल्ट शिप्स पर भी स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो रोटर है वो मोड़े जा सकते हैं और पंख इसके घूम सकते हैं। हवा से हवा में ईंधन भरने की इसमें क्षमता है और ये ऑटोनोमस मोड पर भी काम करता है। V-22 पर स्मिथसोनियन चैनल लगाए गए हैं, जो कि इसे एक हवा योद्धा बनाते हैं, जिससे कि ये दुश्मन के एक्सट्रीमली रिस्की मिशन में भी काम कर सकता है। यही दोस्तों V-22 ऑस्प्रे की कुछ विशेषताएं हैं, जिसकी वजह से भारतीय नौसेना इसको खरीदने पर विचार कर रही है। वहीं दूसरी ओर एयरफोर्स भी इस पर विचार कर रही है, लेकिन इंडियन नेवी इसको प्राथमिकता दे रही है,
क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं और भारतीय वायुसेना को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि भारत अब स्वदेशी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन फॉर टाइम बीइंग के लिए और ज़रूरत के हिसाब से अगर हमें कुछ चीज़ें खरीदनी भी है जो कि देश की रक्षा के लिए है, तो उसे खरीदने में कुछ नहीं जाता। बात अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की है तो इस चीज़ में अमेरिका आपको मालूम ही है वो कभी देता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके हथियार काफ़ी बेहतर होते हैं और हमें अपनी रक्षा दुश्मनों से करनी है जो कि हमारे आस पड़ोस में मौजूद है। तो ऐसे में V-22 ऑस्प्रे को खरीदना कोई गलत विचार नहीं होगा, लेकिन भारत को ये भी अध्ययन करना ज़रूरी है कि ये किस तकनीक पर बना है, इसका अध्ययन किया जा सके ताकि हम भी अपने प्रोटोटाइप डेवलप कर सकें और इस तरीके के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को तैयार कर सकें। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।